लो जी भाइयों, स्पोर्ट सिटी वालों की तो लॉटरी निकल आई। स्पोर्ट सिटी वालों के लिए बहुत अच्छे अच्छे एकदम आप किए गए इस लेटर में। नौवे नंबर पर ये नाइन्थ जो पॉइंट है वो सारे का सारा बैरिया टाउन के बैरिया स्पोर्ट सिटी के रिहायशियों के लिए। अच्छा, स्पोर्ट सिटी जरा दूर दराज है, मेन गेट से आप लोगों को पता है, ट्रेवलिंग जरा ज्यादा है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ऑलरेडी क्या चीजें बैरिया टाउन के बैरिया स्पोर्ट सिटी के रिहायशियों पर बैरिया टाउन मैनेजमेंट ने दी हुई है। उस पर यह लिखा हुआ है कि बीटीके हैज ऑलरेडी प्रोवाइडेड फॉलोइंग फैसिलिटीज टू द रेजिडेंट्स ऑफ स्पोर्ट सिटी, जिसमें अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यानी बिजली दी हुई है, जिसमें कोई लोड शेडिंग नहीं है, और हाई स्पीड इंटरनेट दिया हुआ है। इनहेंस सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, जिसमें सिक्योरिटी के अरेंजमेंट को स्पेशल रखा गया है। ये दूर दराज है, यहाँ पे चोरी शिकारी ना हो और लोग अपने आप को सेफ फील करें, जान माल की इज्जत हिफाजत और इन चीजों को जरा अच्छे तरीके से यहाँ पर रखें। एडिशनल किस्म की यहाँ पे शॉपिंग गैलरी बनाई गई, और शॉपिंग गैलरी भी दूर दराज जाके सिर्फ स्पोर्ट्स सिटी के रिहायशियों के लिए बनाई गई, और उसको ऑपरेशनल भी किया गया ताकि ऐसा ना हो कि गोश्त दूध दही सब्जी या डेली ग्रोसरी के लिए लोगों को दूर आना पड़े, ट्रेवल करना पड़े, तो ये इनके करीब कर दिया गया था। इसके अलावा मैं बता दूं जो बैरियर टाउन के रिहायशियों को मुतालबात थे, गुज़श्ता दिनों मैंने वीडियो बनाई, बैरियर टाउन के रिहायशियों को मैंने इंटरव्यू किया, स्पोर्ट्स सिटी के रिहायशियों को इंटरव्यू किया। आज उन वीडियोज का मैं रेफरेंस भी आप लोगों को दे सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मुझे फिर खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि बैरियर टाउन ने हमारी वीडियोज को देख के सराहा, हमारे कस्टमर्स, हमारे रिहायशी, हमारे वो लोग जो मेंबर्स हैं बैरियर टाउन फैमिली का हिस्सा है, उनकी बात को सुना, देखा, ऑब्जर्व किया और आज अमल भी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसमें लिखा हुआ है कि फॉलोइंग फैसिलिटीज आर ऑल्सो कमिंग वेरी सून, यानी जो कमिंग अप उनके प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या है। ये लिखा हुआ है कि स्पेशल डिस्पेंसरी फॉर स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंट्स, यानी मेडिकल फैसिलिटीज, ये कहते थे कि बैरियर टाउन का हॉस्पिटल बहुत दूर है, छोटी मोटी जो सहूलियत है वो लाजमी दी जाए, तो वो दी है जी, वो यहाँ पर लिखी है। और मुझे बड़ी खुशी है वंस अगेन के हमारे रिहायशियों की बात सुनी जा रही है जी। मुबारक हो रिहायशियों, आप लोगों की लॉटरी निकल आएंगे, आप रिहायशी अब स्पोर्ट्स सिटी विला के रेट बढ़ेंगे जी, ये बहुत अच्छी बात। और फिर ये भी कहा गया कि इसमें सिर्फ स्पोर्ट्स सिटी में ये डिस्पेंसरी नहीं दी जाएगी, ये मेडिकल सेंटर छोटे मोटे जो बनाए जा रहे हैं वो यहाँ नहीं बनाए जाएंगे, ये दूसरे प्रेसिंक्ट्स में भी इसको बनाया जा सकता है, लाइक बैरिया पैराडाइज का कुछ इलाका जो सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट था वहां पर भी, बैरिया पैराडाइज में भी, और इसी तरह स्पोर्ट्स सिटी में भी, तो ऑलरेडी इन्होंने कह दिया। फिर यहाँ पर ये लिखा हुआ है एज एन इंसेंटिव स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंस विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू गैस सिलेंडर्स फॉर 2 ईयर्स, यानी मुसलसल 2 साल के लिए आप लोगों को गैस के सिलेंडर जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि 2 सिलेंडर्स 2 साल तक के टाइम के लिए आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें बिल्कुल वाजे लिखा हुआ है, बट दिस इज अपकमिंग, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये कर देंगे, बहुत जल्द कर देंगे। लेकिन बहुत बड़ी खुशखबरी है जी, दिल जिगरा बड़ा कर लिया बैरियर टाउन मैनेजमेंट ने, ये भी अच्छी बात है। और फिर ये भी कहा कि एफर्ट्स की गई हैं कि यहाँ पे ईवी बस का जो अरेंजमेंट्स है वो इंटरनली भी किया जाए। ईवी बस ऑलरेडी चली लेकिन वो आयशा मंजिल तक चली थी, बैरियर टाउन को मुख्तलिफ पॉइंट से लेके मेन रोड्स पे चल रही थी, लेकिन बैरिया इंटरनली यानी जो चल रही है उसमें ये कहा गया कि बैरिया स्पोर्ट्स सिटी के रिहायशियों के लिए खास कर ये सहूलत दी जा रही है कि यहाँ पे बैरियर टाउन के प्रीमिसेस के अंदर और खासकर स्पोर्ट्स सिटी तक ईवी बस चलेगी, जिसमें लोकल ट्रांसपोर्टेशन का मसला भी हल हो गया, यहाँ पे डिस्पेंसरी का मसला भी हल हो गया, और फिर गैस के सिलेंडर 2 साल के लिए आपको दिए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, अच्छी बात है। और इसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे बैरियर टाउन में मजीद नए वादे भी कुछ किए हैं। और आखिरी जो एक 10वां पॉइंट है वो भी इसी के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ईवी बस सर्विस फ्रॉम बीटीके टू आयशा मंजिल, ये तो ऑलरेडी चल रही है, ठीक है। और फिर इसमें ये भी कहा गया कि इसके सेकंड रूट जो है वो पहले बैरियर टाउन से जो चलती है वो शायद मलीर हॉल्ट तक थी या डिफरेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन आयशा मंजिल तक बीच में शायद रोक दी गई थी किसी वजह से, अब उसको दोबारा से ऑपरेशनल किया गया। अब इसमें वी आर ट्राइंग टू गेट दिस सेकंड रूट बिटवीन बीटीके एंड आयशा मंजिल ऑपरेशनल एज सून एज पॉसिबल, ये भी कोशिश की जा रही है, इंशाल्लाह जल्दी ये कुछ अभी आप लोगों को आ जाएगी। और आखिर में लिखा हुआ है रिगार्ड्स बैरियर टाउन मैनेजमेंट बैरियर टाउन कराची, 19 मई 2024 को ये खत लिखा गया, जिससे मैं ये कह सकता हूँ दिस इज लव लेटर फॉर बैरियर टाउन रिहायशी, ठीक है। बैरियर टाउन रिहायशियों के लिए इसमें इतनी अच्छी बातें की गई हैं, तो वाई नॉट के हम लोग इसको अप्रिशिएट करें। आज हमें मौका मिला है कि हम बैरियर टाउन के रिहायशी होने के नाते बैरियर टाउन की मैनेजमेंट को अप्रिशिएट करें।
دیکھیں نیگیٹیوٹی کیڑے نکالنا تو ہر کسی کا کام ہے, بہت سارے نکالتے رہتے ہیں, لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ یہاں پہ میرے ایک دوست ہیں بہت اچھے جنہوں نے مجھے بھی سکھایا, میں نے ان سے سیکھا, ملک ندیم صاحب, ملک ندیم صاحب نے مجھے سکھایا کہ کوئی بھی پرابلم, مسئلہ مسائل اگر اچھے انداز میں آپ لوگوں نے ایڈریس کیا ہو تو اس کی سنوائی ضرور ہوتی ہے, اس کا کوئی پازیٹیو رزلٹ ضرور ملتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ لوگ بدماشی کریں, جا کے پروٹیسٹ کریں, شیشے توڑیں, اگلے کے گھر کے باہر جا کے بدتمیزی کریں, آپ لوگوں کو کوئی بھی جو ہے پازیٹیو وے میں آپ کے گلے میں ہار نہیں پہنائے گا بلکہ آپ کو کڑے ہاتھوں لیا جائے گا. تو اسی طرح کا شاید کوئی کام یہاں پر بھی ہوا ہوگا, لیکن یہ بہت بڑا کام ہوا ہے اور میں ونس اگین بہت دفعہ مبارکباد دے چکا ہوں اس پورے خط کو پڑھتے ہوئے, اس کو الیبوریٹ کرتے ہوئے, اور آخر میں پھر میں کہہ رہا ہوں کہ تھینک یو بحریہ ٹاؤن, تھینک یو بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ, تھینک یو ملک ریاض صاحب اور جتنی بھی مینجمنٹ ہے, اس میں ایک سویپر سے لے کے ایک ٹاپ مینجمنٹ تک جتنے بھی لوگ ہیں بحریہ ٹاؤن میں کام کرنے والے, ان سب کا شکریہ جنہوں نے ہمارے لیے اس طرح کی خوبصورت سوسائٹی میں رہائش کو خوبصورت پرسکون انداز میں رہائش ہمارے لیے ممکن کی. تھینک یو سو مچ.